being a student. आज जो है हम जो है आप लोगों को चैप्टर टू के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं. चैप्टर है ए लुक एट द अर्थ. टॉपिक है ग्लोब. तो बच्चे पिछले चैप्टर में भी हम आपको पृथ्वी के बारे में बताए हैं और इस चैप्टर में भी पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है. तो हमारा पृथ्वी जो है से आकार में बहुत बड़ा है. हम लोग पृथ्वी को एक समय में एक बार में संपूर्ण भाग को देख नहीं पाते हैं. पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, वह है ग्लोब. तो ग्लोब के जरिए से हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करेंगे. तो यह भी पृथ्वी के समान है और इसका भी आकृति जो है सो गोलाकार है. जब हम लोग जो है सो ग्लोब को एक दिशा से एक तरफ से देखते हैं तो संपूर्ण भाग दिखाई नहीं देते हैं. बच्चों ये ग्लोब है, इसको ध्यान से सब अपने अपने बुक में ध्यान से देखो. पेज नंबर 14. ग्लोब जो है उस पर जो है सो विभिन्न रंगों का है और उसमें ज्यादातर भाग में नीला रंग दिखाई देता है. जो नीले रंग जो है सो इस बात का इंडिकेट करता है वह पूरे भाग में जल ही जल है. बल्कि जब हम ग्लोब को घुमाएंगे मूव करेंगे तो भी हम एक तरफ से एक दिशा से आधा भाग ही देख पाते हैं. वह सभी भागों पर जल की सतह तथा पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है. ग्लोब का उपयोग बड़ा सा कीजिए या छोटा ग्लोब का उपयोग कीजिए, सभी स्थानों पर एक स्थानों पर एक साथ दिखाई नहीं देता. बच्चों ज़्यादातर जो है यदि समान रूप से हम पृथ्वी को देखते हैं तो दूर दूर तक जो है सो यह पृथ्वी सपाट दिखाई देता है. सपाट का मतलब हुआ प्लेन, समतल देख पाते हैं और यह बहुत बड़ा विशाल है. तो बच्चों हम आज आपको ग्लोब के बारे में बताएंगे. दूसरे दिन पृथ्वी के बारे में ही बताएंगे, लेकिन वह जो है सो मैप के जरिए से बताया जाएगा. ओके.